तो गाइस यार मैं आया हूँ अभी अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर सिर्फ और सिर्फ अपना वादा पूरा करने के लिए। तो गाइस यार आपको याद होगा कि आज से कुछ टाइम पहले हमने आपसे एक वादा किया था कि जैसे ही अपने चैनल पे 35 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होंगे उसके बाद में हम टाइटेनियम आर्मी के लेवल का रॉकेट लॉन्च करेंगे। जैसे ही अपने 35 मिलियन सब्सक्राइबर्स होंगे और हम कानून के दायरे के अंदर रहते हुए ही रॉकेट स्काई के अंदर सक्सेसफुली लॉन्च करेंगे, ये आपके भाई का वादा है। तो गाइस यार अब फाइनली वो वक्त आ चुका है, तो अब आप बस तैयार हो जाओ इस वीडियो को लाइक करने के लिए। लाइक एम है बस 1 मिलियन लाइक्स का और आज के इस वीडियो के अंदर हम लॉन्च करने वाले हैं टाइटेनियम आर्मी के लेवल का रॉकेट। चलो शुरू करते हैं। हमारे तो खून में ही टाइटेनियम है, आप ऐसा कुछ भी घर पे करने की कोशिश मत कीजिएगा। गाइज इंडिया के अंदर इस चीज को करना बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि इसे बनाने के लिए जो चीजें चाहिए होती है वो इंडिया के अंदर बैन है। अगर छोटे लेवल की बात होती तो हम खुद बना लेते, लेकिन बहुत बड़े लेवल पे इसे करना थोड़ा सा मुश्किल है और साथ ही साथ इंडिया के अंदर लॉज वगैरह भी थोड़े से टाइट है। लेकिन इंडिया के अंदर नहीं तो क्या हुआ कहीं और, लेकिन इस चीज को तो हम जरूर करेंगे। तो गाइज मीट माय टीम। तो गाइस यार हम सब मिलके बनाने वाले हैं रॉकेट। तो गाइस यार मैंने बहुत टाइम तक रिसर्च की, मैंने कहा यार कि इस बार जो रॉकेट है वो थोड़ा सा स्पेशल होना चाहिए। अगर सीधा रॉकेट उड़ाना हो तो हम इंडिया में भी कर सकते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा सा अलग करते हैं। तो मैं आया हूँ यहाँ पे, बहुत टाइम तक रिसर्च की, ये मेरी जो पूरी टीम है हम सब मिलके बना रहे हैं एक स्पेशल रॉकेट टाइटेनियम आर्मी के लिए। ऑलराइट गाइस लेट्स गो। तो गाइज यार ये है हमारी रॉकेट बनाने की मिनी फैक्ट्री। गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मशीन लगी हुई है। तो गाइज यार इसके अंदर हम पोटेशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल करेंगे और फ्यूल के लिए चारकोल का। तो पोटेशियम नाइट्रेट बनाई जाती है इस मशीन के अंदर, उसे कूटा जाता है, चारकोल से पाउडर बनाया जाता है वो इस मशीन के अंदर किया जाता है और ये सारी चीजें होम मेड है, यानी कि ये सारी मशीनें टीम ने बनाई है। गाइज अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा जो रॉकेट है उसका फ्रेम किस तरीके का होने वाला है। आ जाओ गाइज, तो आप देख सकते हैं कि ये रहा हमारा रॉकेट। गाइज यार मेटल की बॉडी है, पूरा ही लोहे का फ्रेम है। गाइज ये देखो, ये होगा हमारा रॉकेट। गाइज यार ये इतना बड़ा और इतना मजबूत है कि इसके अंदर से जो थ्रस्ट निकलेगा वो बहुत ज्यादा होगा कंपैरेटिवली दिवाली वाले रॉकेट से। यहाँ पे जो टीम है वो इसके अंदर रॉकेट फ्यूल लोड कर रही है, यानी कि इसे बनाना इतना आसान नहीं है। इसे बनाने में लगभग 4 दिन का प्रोसेस लगता है, हर चीज स्टेप बाय स्टेप की जाती है। तो यहाँ पे हम लोग जो है ये रॉकेट फ्यूल इसके अंदर डाल रहे हैं। ये देखो गाइस, फिर उस रॉकेट फ्यूल को कंप्रेस करने के लिए हम इस मशीन का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि टाइटली जो रॉकेट फ्यूल है वो पैक्ड हो सके। और अब मैं आपको बताता हूँ एक और खास चीज, आ जाओ गाइस। तो हमारा जो रॉकेट है वो सीधा नहीं उड़ेगा, ये कुछ कुछ वैसा होगा जैसे कि आपने महाभारत में देखा होगा सुदर्शन चक्र। जी हाँ गाइस, तो जब मुझे ये आइडिया आया, जब मैंने इसके बारे में सोचा तो मुझे बहुत अंदर से गुदगुदी हुई, अंदर से गदगद मैंने फील किया। मैंने कहा यार कि अपन ने सुना है पुराने कथाओं में कि एक सुदर्शन चक्र जैसी चीज़ होती थी, वैसा तो मैं तो क्या इस पूरी दुनिया में कोई नहीं बना सकता, वो तो सिर्फ उन्हीं के हाथों में, लेकिन उससे मिलता जुलता कुछ तो ये देखो, हमारा जो रॉकेट है वो सीधा नहीं होके इस तरीके से होगा, इंस्पायर्ड फ्रॉम सुदर्शन चक्र। तो गाइस यार ये जो चीज़ है ये है हमारा रॉकेट। अब आप सोच रहे होंगे यार ये तो बेडंगा है, ये ऊपर कैसे जाएगा, वही तो बात है, वही तो स्पेशल चीज है। तो जो रॉकेट है वो यहाँ पे इस तरीके से लगेगा और फिर ये जैसे हम इसे लॉन्च करेंगे इस तरीके से गोल गोल घूम के ऊपर जाएगा। ये सच में रॉकेट साइंस है, रॉकेट साइंस इतनी आसान नहीं होती है। तो बस हम तैयारी कर रहे हैं और जैसे हमारा रॉकेट तैयार हो जाएगा हम इसे उड़ा देंगे। तो आप तब तक क्या करोगे, आप इस वीडियो को लाइक कर दो अभी के अभी, 1 मिलियन लाइक्स का एम है आपके लिए, तो छोटी सी बात है। गाइज इतना बड़ा रॉकेट है तो जब वो ऊपर जाएगा तो वापस नीचे भी आएगा, तो किसी के सर पे ना लगे, किसी को कोई डैमेज ना हो, किसी को किसी तरह का नुकसान, इसीलिए हमने बनाया है ये पैराशूट। तो गाइज यार ये है हमारे रॉकेट का पैराशूट। जैसे हमारे रॉकेट के अंदर थ्रस्ट खत्म हो जाएगा पैराशूट डिप्लॉय होगा और हमारा रॉकेट स्मूथली लैंड कर जाएगा। लगो लगो टीम लगो। गाइज ये होगा हमारा लॉन्चिंग स्टेशन रॉकेट को लॉन्च करने के लिए। आप सोच रहे होंगे कि ये इतना अजीब क्यों दिख रहा है, क्योंकि हमारा रॉकेट भी थोड़ा स्पेशल है तो लॉन्चिंग स्टेशन भी स्पेशल होगा। लेट्स गो मनीष। चलो चलो हमारी रॉकेट बॉडी तैयार हो चुकी है। इतना भार है क्या? भार भाई एक बार उठा के देख। तो भाई इसके अंदर आप देख सकते हैं कि 3 रॉकेट नोजल्स हैं जो कि स्लाइटली अलग एंगल पे हैं, 1, 2 एंड 3।
जो कि इसे एक सर्कुलर मूवमेंट देंगे। गाइस जब तक हमारा बड़ा वाला रॉकेट तैयार हो रहा है मेरे पास आपके लिए सरप्राइज है गाइस मिनी। तो चलो मैं आपको बोर नहीं करता हूँ, मैं आपको इसे उड़ा के दिखाता हूँ। ये है हमारे रॉकेट का थोड़ा सा छोटा वर्जन। चलो पहले इसे उड़ाते हैं फिर बड़े वाले को उड़ाएंगे। मैं उड़ाऊ मैं, तू उड़ाएगा जल्दी आ जा। एक बार फिर से कह दूं, डू नॉट ट्राई दिस एट योर होम स्कूल और एनीवेयर, वी एवरीवन आर प्रोफेशनल। इसके अंदर भी हमने पैराशूट इंस्टॉल किया है ताकि ये भी किसी के ऊपर ना गिरे। तैयार है मैया? तैयार तैयार है तैयार तैयार है तैयार। गाइस यहाँ पे हमारे मनीष जी जो है रॉकेट जलाने वाले हैं। दो तीन सीधो रख सीधो रख रुक जा रुक जा। सोचो गाइस अब मनीष कैसे जाओ, वो कितना ऊपर जाएगा सोच। वो तो मिलेगा ही नहीं, चांद पे जाएगा। कैसा लग रहा है आपको? बस फाइनली यार, इतने टाइम पहले वादा किया था आज वो पूरा हो रहा है। दिल में एक सुकून है कि यार भैया टाइटेनियम आर्मी के लिए फिर से एक और जो चैलेंज था वो आज पूरा होने जा रहा है। आई होप भाई लोग लाइक करेंगे। ऑलराइट गाइस, तो हमारा जो रॉकेट है अब वो बनके तैयार हो चुका है आपके सामने। ये देखो गाइस, इसका जो वेट है वो है लगभग 20 से 25 केजी के आसपास और ये जाएगा मे भी 1000 फीट से भी ज्यादा ऊपर। चौक दे मतलब कि गुड लक। आप हमें गुड लक बोल दीजिए गाइस। चौक दे गाइस, अब फाइनली हम लॉन्च करने वाले हैं आपके लेवल का रॉकेट। लेकिन उससे पहले हमारे पास है ये वाला, इसे भी लॉन्च कर देते हैं गाइस। इसे उड़ाते हैं उसके बाद में ग्रैंड फिनाले। ये वो पैराशूट ओपन हो गया गाइस।
फाइनली 35 मिलियन का वादा पूरा हुआ। हमारा पैराशूट आ रहा है नीचे, किसी को कोई भी हानि नहीं हुई, सक्सेसफुली हमने रॉकेट को लॉन्च कर दिया है। एंड देयर इज इट गाइस, यार अब मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा मनीष। Yes. जिस खून में जोश नहीं वो साला